नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है पेट सीरीज़ में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 47 उससे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं मुझे उम्मीद है आप सब अपनी तैयारी पे ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि पेट एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुका है जैसा कि आप सबको जानकारी भी होगी आपने अपना सेंटर भी देख लिया होगा निश्चिंत तौर पर आप सफल होंगे बस आपको अपने आप में बहुत संयम रख पेपर की तैयारी करना है और उन बातों को ध्यान रखना ऐसा कुछ भी हाइजेनिक कार्य नहीं करना है जिससे आपके स्वास्थ्य पर यानी हेल्थ पर कोई बुरा प्रभाव पड़े तो एंजॉय करिए सब कुछ साथ में लगा रहता है और सफलता निश्चित होगी तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उन दोस्तों मित्रों तक शेयर करिएगा जिनको इनकी आवश्यकता है पिछले सेसन्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे के सारे सेशन आपको प्ले में मिल जाएंगे आप वन बाई वन करके सारे सेशन को बना लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पेपर में ये सेशंस बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं और अगर कोई भी यानी क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की तो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों आप इस नंबर को ऐड करें और व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें नाइन नाइन फाइव सिक्स जीरो थ्री नाइन नाइन सेवन एट पर आइए पहला सेशन आप सेशन का पहला प्रश्न आपसे कहा गया विषम का चयन करें क्लासिफिकेशन का है विषम का चयन करें अलग क्या है दिए गए ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं थोड़ा फास्ट लिखता हूं तो राइटिंग पे मत जाएं आप प्रश्नों को सुनते रहें और एनालिसिस करते रहें कि आखिर में प्रश्न हमारा क्या है मैथमेटिक्स हो गया रीजनिंग हो गया इसमें राइटिंग का कोई महत्व तो नहीं होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका आंसर इंपॉर्टेंट रखता है प्रश्न में कहा गया आँखें कान गला नाक अब दोस्तों इसमें गला अलग हो जाएगा इसको हम देखें तो इंटरनल पार्ट भी है बाकी सब एक्सटर्नल पार्ट हैं दूसरे बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारे ज्ञानेंद्रियां होती हैं आंखें कान नाक और जबकि गला आपका नहीं आता तो आंसर आपका क्या हो जाएगा गला अलग हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं प्रश्न में कहा गया एनालॉगी का धागा का संबंध धागा का संबंध जो क्या है कपड़ा से है वही संबंध आपका पूछा गया है तार का किससे है बड़े ही कंफ्यूजिंग आंसर होते हैं जब ऑप्शन इस तरीके के आपको मिल जाते हैं ऑप्शन देखिएगा इसके ऑप्शंस दिए गए छन्नी छन्नी तो जान ही रहे हैं आप सब करवा चौथ आने वाला है उसमें बड़ा इसका अपना महत्व तो हो जाता है जाली रस्सी और आपका दिया गया टेलीग्राम सॉरी माफ़ करिएगा टेलीग्राफ अब देखिएगा यहाँ पे धागे से कपड़ा बनता है तो तार से क्या बनता है तो तार से दोस्तों जाली बनता है अब आप ये मत कहिएगा सर छन्नी भी तो आजकल तार से बनने लगी हमारा रीजनिंग में जो आप आंसर को सेलेक्ट करेंगे वो दोस्तों जाली करेंगे तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया है दिया गया शब्द ई एक्स एम आई एन ए टी आई ओ एन एग्जामिनेशन शब्द समूह से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है शब्द समूह से कौन सा शब्द अक्षर नहीं बनाया जा सकता है ऐसे प्रश्नों के लिए ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विदाउट ऑप्शन नहीं इसको कर सकते हैं मैंने ऐसे प्रश्न आपको डिस्कशन कराया एक दो सेशन में कि जो आपके पास ऊपर लेटर होते हैं उन्हीं लेटरों से आपको क्या करना होता है शब्द का चयन करना होता है यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता ढूंढना है आपको पेपर में कभी कभी बनाया जा सकता भी पूछा जाता है पहला ऑप्शन है ई एक्स ए एम आई एन ए एग्जामिन है दूसरा आपका एन ए टी आई ओ एन है तीसरा ऑप्शन है आपका नोट है और चौथा ऑप्शन है आपका टोन है तो आइए दोस्तों देखिए अब हमारे पास जो यहाँ पे ऊपर शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों में से हमें नीचे दिए गए ऑप्शनों में चुनाव करना होगा अगर कोई शब्द आपके पास दो बार आया तो उसका तीन बार प्रयोग नहीं कर सकते तीन बार आया तो दो बार कर सकते हैं तो आइए देखें नया क्या आया हुआ इसमें यहाँ पे देखिए ई एक्स एम आई एन ई बस बस समय यही तो चाहिए था अलग क्या चाहिए बस यही आंसर हो जाएगा बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आप चेक करेंगे बनेंगे सभी आइए नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं तो आपको बस वो ढूंढ लेना है कि जो अच्छर ऊपर नहीं दिया उसका प्रयोग किया गया कहीं नीचे पे या उससे अधिक बार किया गया तो वही आपका आंसर चुनाव करना होगा नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया कथन और उससे संबंधित कुछ आपके तत्व दिए गए हैं कथन में कहा गया आपसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है भारत एक लोकतांत्रिक सॉरी लोकतंत्रात्मक तंत्रात्मक वो भी बात सही है लेकिन जो शब्द दिया गया उसी का चयन करें हम लोग देश है यानी जहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पर जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है उसको लोकतांत्रिक बोलते हैं या उनका अपना खुद का स्वयं का संविधान होता है जिसपे हम कार्य करते हैं तो बहुत डिटेल्स में इसी बात को जानकारी है अब ऑप्शन देखिए क्या कहा गया कहा गया भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना अलग अलग प्रत्येक भारत में प्रत्येक राज्य के पास के पास अपना अपना संविधान है क्या ऐसा है दोस्तों बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है भारत के लिए एक ही संविधान है इसके बाद दूसरी बात कही गई है भारत में वंशानुक्रम वंशानुगत वंशानुगत शासन आज भी है नहीं भाई शासन आज भी है बिल्कुल नहीं है जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जब शासन करता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ ये तो डिक्टेटरशिप में होता है राजा है राजा का बेटा बन गया फिर उसका बेटा बन गया इस तरीके से जिसकी सत्ता है उसका ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ डेमोक्रेसी है भारत में आज ये चीज़ें खत्म हो चुकी ब्रिटिश में ऐसा हुआ करता होगा या और पहले हमने सुना दिल्ली सल्तनत या इस तरीके की चीज़ें में उसमें था ऐसा भी नहीं है डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि प्रतिनिधित्व बार बार बदलते रहते हैं जिसको जनता चाहती है उसको चुनती है नेक्स्ट कहा गया दोस्तों भारत के पास अपना संविधान है मैंने यही बात आपसे कहा और यही बिल्कुल देखिए सही ये संविधान है और यही सत्य होगा क्योंकि लोकतंत्रात्मक के बारे में बात की गई है चौथा ऑप्शन देख लीजिए वैसे वो गलत होगा भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था बिल्कुल था तो इससे मतलब क्या है यहाँ पे प्रश्न अलग बात की गई यहाँ पे ऑप्शन इसका चुनाव थोड़ा नहीं करेंगे हमें कहा गया लोकतंत्रात्मक देश है तो इसका मतलब क्या है भारत के पास अपना संविधान है ये आंसर आपको सेलेक्ट करना होगा ऐसे भी प्रश्नों को देख कर जाएँ ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रश्न रटा हुआ आए तो कुछ हमें क्या करना होगा अपना भी थाट यानी अप्रोच को बढ़ाना होगा आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं सेशन में कहा गया कैलेंडर का प्रश्न है हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन उसके पिता का जन्मदिन तेरह जून तेरह और कर लेते हैं सोलह जून दोनों में जून लिखने कोई मतलब नहीं तेरह से सोलह जून हो गया के बीच है बीच है प्रश्नों को मैं सॉल्व कर देता हूं आप बस प्रश्न को समझ जाइएगा क्योंकि प्रश्न लिखने में बहुत टाइम लग जाता है जबकि उसकी बहन को याद है उसके पिता का जन्मदिन जन्मदिन चौदह और चौदह और अट्ठारह जून के बीच है तो बताएं, तो बताएं पिता का जन्मदिन किस पिता का जन्मदिन किस तिथि को है किस तिथि को है ऐसे प्रश्नों में बहुत ही आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जितने लोग कहते हैं उनके बीच की डेट को फाइंड करना होगा तो देखिए यहाँ पे हरी के अनुसार देख लीजिए क्या है तेरह और क्या है सोलह और उसकी बहन के अनुसार देख लीजिए क्या है बहन के अनुसार चौदह और अट्ठारह अब देखिएगा ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है एक डेट ऊपर से एक डेट नीचे से ये देखिए इन दोनों के बीच में बताइए दोस्तों क्या है वो आपका पंद्रह जून तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा पंद्रह जून दस सेकेंड के अंदर आपको उसको सॉल्व करना है देखते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू